स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स सब। इन दिस वीडियो वी कैन डिस्कस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सामने कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाई सेंट्रल बैंक। तो देखिए स्टूडेंट, सेंट्रल बैंक इंडिया में RBI मनी सप्लाई पर किस तरीके से कंट्रोल करता है, इकोनॉमी के अंदर मनी के फ्लो को किस तरीके से वो मेंटेन करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, RBI ये देखता है इकोनॉमी में, जब मनी का फ्लो इकोनॉमी में ज़्यादा हो चुका है तो उसको कम करने की कोशिश करता है। वो उसको कम किस तरीके से करता है, और जब इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम होता है तो उसको इंक्रीज किस तरीके से करता है। तो ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या फिर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाई RBI सेंट्रल बैंक। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको टू वे से मीजर किया गया है, एक आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर हम ये देखें कि पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में जो मनी को, जो इंस्ट्रूमेंट पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर मनी के फ्लो को चेंज कर सकें, मनी के फ्लो को कंट्रोल कर सकें, तो स्टूडेंट्स वो आते हैं आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। स्टूडेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में दो तरीके की पॉलिसी यूज होती है, एक आपका मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी को डील करता है RBI सेंट्रल बैंक, और फिस्कल पॉलिसी को डील करती है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, और जो RBI के इंस्ट्रूमेंट है उनको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी को भी टू टर्म्स में डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और आपका फर्स्ट इसमें आता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर उसमें हमें मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, मनी के फ्लो को चेंज करना, तो स्टूडेंट्स वहां पर यूज किए जाते हैं आपके, वहां पर यूज किए जाते हैं आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर पूरी होल इकोनॉमी में मनी के फ्लो को कंट्रोल करना है तो वहां पर RBI यूज करती है स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट यहां पर आपके आते हैं CRR। CRR है क्या? तो देखिए स्टूडेंट, CRR से पहले डिस्कस करेंगे LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। स्टूडेंट्स LRR के दो पार्ट है, एक तो CRR और दूसरा SLR, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो और करंट और आपका कैश रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट रेफर टू अ लीगल रिजर्व डेट आर मेंटेन्ड बाय कॉमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट या फिर टोटल डिमांड डिपॉजिट। स्टूडेंट्स देखिए, कॉमर्शियल बैंक को क्या करना है, RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको कुछ परसेंट डिमांड डिपॉजिट का रिजर्व में बचा के चलना है, रिजर्व उसको करना है डिमांड डिपॉजिट का। जो भी बैंक में टोटल एक दिन में पैसे बैंक में डिपॉजिट होते हैं उनका कुछ परसेंट उसको मेंटेन करना है रिजर्व के तौर पे। स्टूडेंट्स कितना परसेंट मेंटेन करना है ये RBI उसको बताता है CRR और SLR के थ्रू। ये डिसाइड करेगा RBI, CRR भी और एक आपका SLR, दोनों को डिसाइड RBI करेगा। स्टूडेंट्स कॉमर्शियल बैंक इसको डिसाइड नहीं कर सकता, डिसाइड कौन करेगा? RBI। अब देखिए, लीगल रिजर्व आपने पढ़ लिया, लीगल रिजर्व क्या है? इट रेफर टू लीगल रिजर्व डेट आर मेंटेन बाई कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को एक लीगल रिजर्व मेंटेन करना है, किस बेस पे करना है? टोटल डिमांड डिपॉजिट के बेस पे, टोटल डिमांड डिपॉजिट के फोर्स पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, RBI ये कहता है कि कुछ परसेंट रिजर्व तो आप हमारे पास रखो और कुछ परसेंट रिजर्व आप अपने पास रखो, आप अपने पास भी बचा के चलो। हो सकता है इन फ्यूचर में कभी कॉमर्शियल बैंक को कोई सरप्लस की या फंड्स की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके पास इतना फंड्स हो कि वो उसको खुद फेस कर सके, वो उस प्रॉब्लम को खुद फेस कर सके। तो स्टूडेंट्स RBI दो तरीके से उसके पास, दो तरीके से उससे रिजर्व मेंटेन करने के लिए कहता है। एक तो कहता है कि वो रिजर्व हमारे पास अपना, जो उसका रिजर्व है वो हमारे पास उसको रखो, और एक कहता है कि वो उस रिजर्व को अपने पास मेंटेन करो। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यहां पर आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो RBI कहता है कि डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व आप हमारे पास में रखो या हमें उसका रिजर्व दो। तो स्टूडेंट्स ये है आपका CRR। CRR देखिए क्या है, इट रेफर टू अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट टू कीप विद RBI।
जो आरबीआई के पास में टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक रिजर्व में रखता है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, वो हमेशा हमेशा क्या, वो सीधा कैश, सिर्फ ओनली कैश की रिक्वायर्ड करता है आरबीआई। डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास में रिजर्व के तौर पर रखता है, उसको हम यहां पर कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और स्टूडेंट्स अगर इस सीआरआर में वो चेंज कर दे, सपोज कीजिए एक दिन में बैंक में टोटल डिमांड डिपॉजिट हुई 100 रुपए की, 100 रुपीज एक दिन में टोटल बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए 100 रुपए। अब आरबीआई कहता है कि 4% आपको सीआरआर मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या है, 100 रुपीज का 4% उसको रिजर्व किसको पे करना है स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई को। कॉमर्शियल बैंक किसको पे करेगा, आरबीआई को पे करेगा। तो स्टूडेंट्स ये है आपका सीआरआर। अगर वो सीआरआर में चेंज करता है तो इसका चेंज, जो इस चेंज आता है सीआरआर में, इसका इफेक्ट हमें मनी सप्लाई पर भी देखने के लिए मिलता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरीके से चेंज होता है। अगर सेंट्रल बैंक इस 4% सीआरआर को इंक्रीज कर दे कितना, 6%, हालांकि इतना चेंज नहीं होता, आरबीआई सिर्फ पॉइंट में ही उसको चेंज करता है, क्योंकि पूरी होल इकोनॉमी में पॉइंट से ही चेंज करने में बहुत इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की एक्टिविटी अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एक एज्यूम किया कि अगर वो सीआरआर को 4% से इंक्रीज कर दे 6%, पहले कॉमर्शियल बैंक को कितना रिजर्व रखना पड़ रहा था, पहले उसको पे करने पड़ रहे थे 4 रुपए, अब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 6 रुपए। पहले जब 4 रुपए पे करने पड़ रहे थे तो उसके पास कितने पैसे बचे, 96, और अब कितने बचेंगे, 94। भाई अब उसके पास में जब सीआरआर इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट सेंट्रल बैंक ने, तो सीआरआर के इंक्रीज होने से कॉमर्शियल बैंक के पास में फंड्स क्या हो जाएंगे, कम। कॉमर्शियल बैंक के पास में फंड्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कम, जिससे उसका मनी क्रिएशन क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका मनी क्रिएशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक के, जिससे उसका मनी क्रिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। जब मनी क्रिएशन कम होगा तो मनी का फ्लो भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी जब सीआरआर को इंक्रीज करा जाएगा तब। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है, राइज इन सीआरआर इंक्रीज कैश रिजर्व। अगर सीआरआर को इंक्रीज करता है आरबीआई, इंक्रीज कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। फॉल इन मनी सप्लाई बाय कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक की स्टूडेंट्स मनी सप्लाई क्या होगी, कम। कॉमर्शियल बैंक की मनी सप्लाई क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां पर आपकी फॉल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट को रिवर्स करते हैं, कॉमर्शियल आरबीआई क्या कर सकता है, सीआरआर को 4% से 3% भी तो कर सकता है, वो उसको इंक्रीज करने की जगह उसको डिक्रीज भी तो कर सकता है। जी हाँ, उसको डिक्रीज भी कर सकता है जब उसको लगता है कि इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम हो चुका है। मनी के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट्स आरबीआई सीआरआर को डिक्रीज कर देता है। अब देखिए आरबीआई जब सीआरआर को डिक्रीज करता है तो मनी का फ्लो कैसे बढ़ेगा, जब सीआरआर कम है तो कॉमर्शियल बैंक के पास में रिजर्व उसको कम पे करना पड़ेगा, कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व कम पे करना पड़ेगा आरबीआई को। इसका मतलब क्या है, उसके पास में एक्सेस फंड्स हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास में स्टूडेंट्स एक्सेस फंड्स हैं यूटिलाइजेशन के लिए, मनी क्रिएशन के लिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पर्सन को, इन्वेस्टर को लोन ऑफर कर पाएगा और उससे मनी का फ्लो इकोनॉमी में स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था कंसेप्ट आपका सीआरआर का। स्टूडेंट्स सीआरआर और एसएलआर दोनों ही लीगल रिजर्व रेशियो का पार्ट है, एलआरआर का, लीगल रिजर्व रेशियो का। अब यहां पर इसका सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का सेकंड पार्ट यहां पर डिस्कस करते हैं आपके सामने, एसएलआर। अभी डिस्कस किया था सेंट्रल बैंक कहता है कॉमर्शियल बैंक से थोड़ा रिजर्व हमारे पास में मेंटेन करो, मतलब हम थोड़ा रिजर्व हमें पे करो डिमांड डिपॉजिट का। अब यहां पर एसएलआर में स्टूडेंट्स कॉमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक कहता है इस बार रिजर्व आप अपने पास ही मेंटेन करो डिमांड डिपॉजिट का, कुछ परसेंट अपने पास भी बचा के चलो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप उस प्रॉब्लम को वहां से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सको।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट विच कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ, मतलब अपने पास डिमांड डिपॉजिट का, टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट मेंटेन करना है कॉमर्शियल बैंक को। ये मेंटेन करना जितना आरबीआई ने फिक्स कर दिया एसएलआर, उतना मेंटेन करना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को। तो देख स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक एसएलआर में लिक्विड एसेट्स को होल्ड करता है। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आती हैं? कैश तो आपका आएगा, कैश के साथ में गोल्ड। वो रिजर्व के तौर पर कैश की जगह गोल्ड को भी रिजर्व में रख सकता है अपने पास कॉमर्शियल बैंक। कैश इसमें आएगा, गोल्ड इसके अंदर आएगा, और थर्ड इसमें आएगा स्टूडेंट्स अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी क्या है? जितने भी आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स है, डिबेंचर है, ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड है, ये सभी आपके अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर आएंगे। जितना भी कॉमर्शियल बैंक लिक्विड एसेट्स को होल्ड करेगा तो स्टूडेंट्स वो कहलाएगा आपका एसएलआर। और स्टूडेंट्स ये भी डिमांड डिपॉजिट के फोर्स से ही इसको मेंटेन किया जाता है। सपोज कीजिए एक दिन में टोटल बैंक में डिमांड डिपॉजिट होता है 100%, स्टूडेंट्स सीआरआर से हाई होता है एसएलआर। अभी मैंने लास्ट टाइम जो चेक किया था तो 18% था और सीआरआर 4% था आरबीआई का। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो 100 रुपीज अगर बैंक में टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है, टोटल बैंक में डिमांड डिपॉजिट 100 है, बैंक आरबीआई कहता है कि आपको 20% एसएलआर मेंटेन करना। स्टूडेंट्स सीआरआर और एसएलआर क्यों मेंटेन करते हैं कॉमर्शियल बैंक? एसएलआर को तो वो इसलिए मेंटेन करता है फ्यूचर में होने वाले कोई भी इमरजेंसी फैक्ट अगर उसके साथ में आ जाते हैं, प्रॉब्लम अराइज होती है, उस प्रॉब्लम को उससे फेस किया जा सके। तो स्टूडेंट्स 20% है, इसका मतलब क्या है? बैंक में अगर 100 रुपये डिपॉजिट होते हैं तो 20 रुपये उसको अपने पास में बचा के चलने हैं कॉमर्शियल बैंक को अपने पास में। वो उस पैसे का कैश में भी उसको रिजर्व रख सकता है, गोल्ड में भी रख सकता है, या फिर अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी में भी उसका रिजर्व रख सकता है। कौन रखता है? कॉमर्शियल बैंक। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब इसमें अगर चेंज आता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है मनी सप्लाई में? राइज इन एसएलआर, अगर एसएलआर को इंक्रीज करता है आरबीआई, स्टूडेंट्स दोनों डिसाइड करेगा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ही इनमें चेंजेस कर सकता है, कॉमर्शियल बैंक चेंज नहीं कर सकता। अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए एसएलआर को, राइज इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाई कॉमर्शियल बैंक, भाई सीधी सी बात है, आरबीआई इंक्रीज कर रहा है एसएलआर को, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को अपने पास में। अब यहाँ पर उसके पास में 80 रुपये बच रहे थे एसएलआर मेंटेन करने के बाद में, अब उस 80 रुपये से क्या करता, वो मनी क्रिएशन करना स्टार्ट कर देता। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे आपके सामने मनी क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करता है, उसमें एलआरआर का कंसेप्ट आता है, मतलब दोनों का आता है, सीआरआर भी और एसएलआर भी। तो स्टूडेंट्स 80 रुपये उसके पास में मनी क्रिएशन के लिए बचते हैं। अब यहां पर अगर 20% से बढ़ा के कर देता है 25% अगर कर दे आपका आरबीआई एसएलआर को, अब उसके पास में कितनी मनी बचेगी स्टूडेंट्स? 75। इसका मतलब क्या है? फंड्स उसके पास में डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए कॉमर्शियल बैंक के? पहले फंड्स थे 80, अब कितने हो गए स्टूडेंट्स? 75, 75। तो फंड्स डिक्रीज हुए, फंड्स के डिक्रीज होने से मनी क्रिएशन भी डिक्रीज हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक का। जब मनी क्रिएशन कम हो जाएगा तो वहां पर मनी का फ्लो क्या होगा स्टूडेंट्स? कम हो जाएगा, मनी का फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा। फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड फॉल इन मनी सप्लाई, जिससे मनी का फ्लो, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? कम हो जाएगी। और इस पॉइंट का उल्टा पॉइंट भी बन सकता है, वाइस वर्सा, जब आरबीआई इंक्रीज करने की जगह एसएलआर को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, जब एसएलआर को डिक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है कॉमर्शियल बैंक के पास में फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, एक्सेस फंड्स होंगे कॉमर्शियल बैंक के पास में मनी क्रिएशन के लिए। जब मनी क्रिएशन के लिए एक्सेस फंड्स होंगे तो वहां पर मनी का फ्लो कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था कंसेप्ट आपके सीआरआर और एसएलआर, जो दोनों पार्ट हैं किसका? लीगल रिजर्व
रेशियो का। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट यहां पर आता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या करता है आरबीआई, मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन हमने बताया था, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी मैनेज करता है, गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट की तरह भी वर्क करता है और गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस भी प्रोवाइड कराता है आरबीआई। तो स्टूडेंट्स, एजेंट में एक पॉइंट मैंने बताया था वहां पर आपको कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर ओपन मार्केट में सिक्योरिटी की सेल एंड परचेजिंग भी कराता है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बिल्कुल सेम वही पॉइंट है, बिल्कुल सेम पॉइंट है ये भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओपन मार्केट में क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे ओपन मार्केट मतलब मनी मार्केट में, उसमें क्या करता है, सिक्योरिटी की सेल एंड परचेजिंग करता है। सिक्योरिटी खरीदता भी है ओपन मार्केट से और ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को परचेज भी करता है ओपन मार्केट से, और सिक्योरिटी सेल भी करता है। किसके बिहाफ पे करता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब स्टूडेंट्स, ये मैटर नहीं करता कि ओपन मार्केट में कोई जनरल पब्लिक उसको परचेज कर रही है या कोई भी उसको अनदर कॉमर्शियल बैंक भी उसको परचेज कर सकता है। जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है और कॉमर्शियल बैंक भी उसको परचेज कर सकता है सिक्योरिटी को। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी की सेल और परचेज करने से मनी के फ्लो में किस तरीके से चेंज आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक डायग्राम से देख लीजिए। ये है आपका सेंट्रल बैंक और ये है आपका कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटी स्टूडेंट्स क्या करी, सिक्योरिटी की सेल करी ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में कॉमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटी को खरीद लिया। सेंट्रल बैंक ने क्या करा स्टूडेंट्स, 100 करोड़ की सिक्योरिटी क्या करी, सेल कर दी ओपन मार्केट में एक कॉमर्शियल बैंक को। अब जब कॉमर्शियल बैंक ने वो सिक्योरिटी खरीदी तो सीधी सी बात है, 100 करोड़ रुपए वो किसको पे करेगा स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक को। अब वो पे भी तो करेगा इसको, 100 करोड़ पे बाय कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक जब उसको 100 करोड़ पे करेगा आरबीआई को, तो उसके पास में फंड्स, मनी का फ्लो, उसके पास में फंड्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उसके पास में हो सकता है फंड्स की शॉर्टेज पड़ जाए, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो जब उसके पास में स्टूडेंट्स फंड्स की शॉर्टेज पड़ती है तो वहां पर मनी क्रिएशन के लिए भी उसके पास में फंड्स क्या होंगे, कम होने लगेंगे। जब मनी क्रिएशन के लिए फंड्स कम होंगे तो स्टूडेंट्स मनी का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स मनी का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को सेल करता है ओपन मार्केट में तब। अब ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक क्या करे, सिक्योरिटी परचेज कर ले, इस बार कॉमर्शियल, एक कॉमर्शियल बैंक था वो सिक्योरिटी मार्केट में सेल करने जा रहा था, कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटी सेल करने कोई सेल कर रहा था मार्केट में, सेंट्रल बैंक ने उससे सिक्योरिटी परचेज कर ली। इस बार 100 करोड़ की सिक्योरिटी किसने, क्या सेंट्रल बैंक ने परचेज कर ली स्टूडेंट्स, किससे, कॉमर्शियल बैंक से। तो यहां लिख लीजिए परचेज 100 करोड़ सिक्योरिटी। अब क्या करेगा सेंट्रल बैंक, इसको पे करेगा सेंट्रल बैंक। अब यहां पर इसको क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक को स्टूडेंट्स पे करेगा। जब वो सिक्योरिटी खरीद रहा है तो कॉमर्शियल बैंक को पे करेगा, जब सिक्योरिटी उसको सेल कर रहा था तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करता। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब पे करेगा सेंट्रल बैंक किसको, कॉमर्शियल बैंक को। तो स्टूडेंट्स कॉमर्शियल बैंक के पास में फंड्स क्या होंगे, एक्सेस, फंड्स का फ्लो बढ़ जाएगा। फंड्स का फ्लो बढ़ेगा तो मनी क्रिएशन भी इंक्रीज होगा और मनी क्रिएशन के इंक्रीज होने से स्टूडेंट्स मनी का फ्लो भी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका यही पॉइंट है, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी ओपन मार्केट में सेल करता है तो वहां पर जो भी पर्सन उसको खरीदेगा, जरूरी नहीं कि कॉमर्शियल बैंक ही उसको परचेज करे, कोई नॉर्मल पर्सन भी उस सिक्योरिटी को खरीद सकता है। तो स्टूडेंट्स जब उसको परचेज करेगा कोई भी पर्सन या कॉमर्शियल बैंक, तो उसको पे करना पड़ेगा किसको, आरबीआई को। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमी में, मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा, जिससे मनी क्रिएशन, जिससे मनी का फ्लो इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस
हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस किया आपके साथ में CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट।